हेलो एवरीवन वेलकम बैक और आज की इस वीडियो में जो है हम हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की एक और इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम जिसका नाम है के नियरेस्ट नेबर उसको डिस्कस करने वाले हैं और उसके रिलेटेड जितने भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं आस्पेक्ट्स हैं विद एग्ज़ाम्पल हम उनको समझेंगे सो so स्टार्ट करते हैं के एन एन के साथ कि के एन एन बेसिकली होता क्या है तो के एन एन जिसकी फुल फॉर्म है हमारी के नियरेस्ट नेबर ये बेसिकली हमारी एक एल्गोरिदम है और ये एल्गोरिदम कौन सी है ये एल्गोरिदम है हमारी इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम जिसको हम यूज़ करते हैं क्लासीफिकेशन और रिग्रेशन के टास्क के लिए मशीन लर्निंग के अंदर अब यहाँ पे आपको रिग्रेशन समझ में आ गया क्लासिफिकेशन समझ में आ गया के एन एन एक एल्गोदम है ये समझ में आ गया बट इसके अंदर एक टर्म है इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग इस इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या है इसको जो है मैं मेरी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ और वहाँ पर जो है मैंने मॉडल बेस्ड लर्निंग और इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग जो हमारी मशीन लर्निंग की एक टेक्निक होती है क्लासिफिकेशन टेक्निक होती है मशीन लर्निंग एलगोरिदम्स की टाइप्स की उसको जो है हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। बट यहाँ पे आपको ओवरव्यू देने के लिए मैं बता देता हूँ इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग ये वो लर्निंग एल्गोरिदम्स होती हैं जिनके अंदर हम हमारे मॉडल्स को जो है डेवलप नहीं करते जैसे कि पुरानी एल्गोरिदम्स के अंदर करते थे चाहे वो रिग्रेशन हो क्लासिफिकेशन हो एस हो या फिर डिसीजन ट्री हो यहाँ पे हम क्या करते हैं इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के अंदर जो हमारा ट्रेनिंग डेटा होता है उसको एल्गोरिदम स्टोर कर लेती है और डायरेक्टली जब प्रिडिक्शन का टाइम आता है उस टाइम पे हम उसे यूज़ करते हैं विदाउट क्रिएटिंग ए मॉडल और ये अलगोरिदम जो है हमारी के नियरेस्ट नेबर के एन एन ये बेसिकली हमारी एक नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिदम होती है और नॉन पैरामेट्रिक का मीनिंग है यहाँ पे कि इसके अंदर हम हमारे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड यानी कि डेटा से रिलेटेड डेटा सेट से रिलेटेड कोई भी प्रायर एजम्शंस नहीं मानते हैं अब यहाँ पर प्रायर एजम्पन्स क्या हो सकती हैं जैसे हमने सपोर्ट वैक्टर मशीन के अंदर डिसीजन ट्री के अंदर हमने ये माना था जो हमारे डेटा सेट के फीचर्स हैं पैरामीटर्स हैं, वो बेसिकली क्या है इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है यानी कि वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते और फाइनल आउटपुट में जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं बट यहां पे हमारे पास कोई भी डेटा सेट हो कैसा भी डेटा सेट हो हम इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स कोई भी एजमशन को जो है एज्यूम नहीं करते हमारे डेटा से रिलेटेड जो हमारी के एन है ये काम कैसे करती है तो जो हमारी के एन एन है ये बेसिकली सिमिलर थिंग्स को यानी कि सिमिलर डेटा पॉइंट्स को जो कि आस पास हैं क्लोज प्रॉक्सीमिटी में है यानी कि वो डेटा पॉइंट्स जो कि नियर बाय हैं जिनके सेम फीचर्स हैं उनको जो है एज्यूम करती है कि वो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं अब इस लाइन को जो है आप एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझेंगे जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो के हमारा काम करता है आइडिया ऑफ सिमिलैरिटी पे। सिमिलैरिटी जिसको हम जो डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं प्रॉक्सिमिटी के नाम से भी जानते हैं और क्लोजनेस के नाम से भी जानते हैं और इसको अगर मैथमेटिक्स के टर्म में बात करें हम टेक्निकल टर्म में बात करें जिसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स ए ग्राफ तो जो हमारे डेटा सेट के अंदर डेटा पॉइंट्स होते हैं वो डेटा पॉइंट्स जो सिमिलर होंगे यानी कि नियर बाय होंगे एक दूसरे के तो हमारी के एन एज्यूम करती है कि वो जो है सेम क्लास से बिलोंग करते हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि वो क्लोज हैं प्रोक्सिमिटी के अंदर है या नहीं है उसके लिए जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये था के एन का जनरल ओवरव्यू अब बात करते हैं के एन के स्टेप्स की तो सबसे पहला स्टेप्स होता है हमारा प्रिपेयर द डेटा सबसे पहले हमें डेटा को प्रिपेयर करना है क्लीन करके ताकि जो है हम उस डेटा का यूटिलाइज कर सके टू गेट सम प्रोडिक्शंस फ्रॉम दैट रो डेटा दूसरी इसके अंदर हमारा स्टेप आता है चूज द वैल्यू ऑफ के के नियरेस्ट नेबर जो हमारी एल्गोरिथम है इसके अंदर जो के है वो जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि हमें हमारे डेटा पॉइंट्स के नियर जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो कितने नियरेस्ट डेटा पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए वैल्यू ऑफ के मैटर करता है और वैल्यू ऑफ के को जो हम सेलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला दैट इज़ के इज इक्वल टू स्क्वेर रूट ऑफ एन बट जनरली देखा जाए तो कोई भी ऐसी के की स्पेसिफिक या फिर प्रेफर्ड वैल्यू नहीं है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं बट एक ओवरव्यू के लिए एक मैथमेटिकल आस्पेक्ट के लिए कि बेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है उसके लिए हम के को जो है इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं जहाँ पे एन होता है हमारा नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन ट्रेनिंग डेटा यानी कि ट्रेनिंग डेटा में जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं हमारी के की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और के की वैल्यू मोस्टली जो हम ओर्ड नंबर को प्रेफर करते हैं ताकि हमारे डेटा पॉइंट्स का जो आउटपुट है वो इक्वल ना हो क्लैश ना करे थर्ड स्टेप आता है हमारा के नियरेस्ट नेबर अब के की वैल्यू जो भी हमने एज्यूम की है और जो हमारा प्रडिक्शन डेटा पॉइंट है उसके नियरेस्ट जितने भी नेबर्स होंगे यानी कि जो हमारी के की वैल्यू होगी उतने नियरेस्ट नेबर्स को जो हम फाइंड आउट करेंगे एंड देन उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए स्टेटिस्टिकली या फिर मैथमेटिकली बहुत सारे फार्मूलाज हैं बट जो कुछ पॉपुलर फार्मूलाज़ है जो कि के एन यूज़ करती है वो यूज़ करती है हमारी यूक्लिडियन डिस्टेंस मैन डिस्टेंस और कोसाइन सिमिलैरिटी फिफ्थ स्टेप आता है क्लासिफाई और प्रिडिक्ट अब हमें क्या करना है जब डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया तो अब हमें प्रिडिक्शन करनी है कि, कि किस तरीके से हमारा डेटा पॉइंट नया डेटा पॉइंट नया इनपुट किस क्लास को बिलोंग करता है उसको हमें क्लासिफाई करना है एंड देन लास्ट स्टेप के अंदर हमें आउटपुट यानी कि रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड कर देना है अब बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ और के को अच्छे से समझते हैं तो सपोज़ मान लीजिए हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके कुछ फीचर्स हैं डेटा पॉइंट्स हैं जिसको मैंने इस तरीके से प्लॉट कर दिया एज़ पर देयर फीचर्स अब इस डेटा सेट के अंदर हमें क्या करना है एक नया डेटा पॉइंट क्लासीफाई करना है जो कि ब्लैक डॉट से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा और उसकी फ़ीचर वैल्यू होगी सिक्सटी कोमा सिक्सटी यानी कि इन वैल्यूज़ पे जो है मुझे क्या करना है एक नया डेटा पॉइंट एक नया इनपुट जो है हमें हमारी मशीन को प्रोवाइड करना है और हमारी मशीन को बताना है ये जो डेटा पॉइंट इस पोजीशन पे आएगा ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा क्या वो ब्लू क्लास से बिलोंग करेगा या फिर वो रेड क्लास से बिलोंग करेगा तो यहाँ पे क्या है क्लासिफिकेशन का टास्क यूज़ हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे अब हमने के की वैल्यू एज्यूम कर ली थ्री अब जैसे कि मैंने आपको बताया कोई प्रेफर्ड वैल्यू नहीं होती है बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे के की एक और वैल्यू थ्री को जो है यहाँ पे एज्यूम कर लिया है अब के की वैल्यू थ्री का मीनिंग है उस ब्लैक डेटा पॉइंट जो कि हमें फाइंड आउट करना है ये जो डेटा पॉइंट जिसकी वैल्यू जिसकी क्लास हमें फाइंड आउट करनी है इसके नियरेस्ट थ्री डेटा पॉइंट्स को जो है अब हम यहाँ पे एज़ पर अवर एल्गोरिदम फाइंड आउट करेंगे तो जब हमने तीन नियरेस्ट डेटा पॉइंट फाइंड आउट किए तो हमें जो है ये तीन ऐसे नए डेटा पॉइंट्स मिले जो कि इस ब्लैक डॉट के नियरेस्ट है और इनको जो है हमने डिस्टेंस से कैलकुलेट कर लिया अब हमें क्या करना है इन क्लास की जो वैल्यूज़ हैं यानी कि ये जो हमारे तीन नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स मिले हमें विद द हेल्प ऑफ के वैल्यू अब इसकी हेल्प से हमें पता चल गया कि दो जो है हमारी नियरेस्ट वैल्यू रेड क्लास से बिलोंग करती है और सिर्फ एक डेटा पॉइंट जो है वो ब्लू क्लास से बिलोंग करता है तो यहाँ पे हमारी के एन एन एलगोरिदम क्या कर लेती है वो एज्यूम कर लेती है बिकॉज वो सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट काम करती है प्रोक्सैमिटी के कॉन्सेप्ट काम करती है तो इसके अकॉर्डिंग जो भी मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स होंगे हमारे उस नए इनपुट के आसपास उसके नियरेस्ट उसकी जो है वो क्लास प्रिडिक्ट कर देगी तो यहाँ पर एक ब्लू है दो रेड है तो मेजोरिटी यहाँ पर दो रेड क्लासेस की है तो ये ब्लैक डेटा पॉइंट जो है हमारा क्या हो जाएगा रेड क्लास से असाइन

कर दी थैंक यू